अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स हमारी सीरीज़ चल रही थी, अभी वर्ड प्रॉब्लम का लेक्चर नंबर 6 है। सो ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, ये दूसरे लेक्चरों से थोड़ा मुख्तलिफ़ होगा, ये थोड़ा लंबा भी होगा, ये प्रॉब्लम थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। तो अगर जिसने 6 लेक्चर पहले मेरे का जो है ना अपलोड कर चुका हूँ, अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये उनको बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा। ये सीरीज़ चल रही है, वो लेक्चर देखो, ये आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। इंशाल्लाह मुझसे जो हो सकेगा जितना आसान तरीके से समझा सकूँगा वो समझाऊँगा। ये लेक्चर अभी शुरू करते हैं, थोड़ा मुख्तलिफ है दूसरे लेक्चरों से, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। ये भी एज प्रॉब्लम आज भी लिया है मैंने। 7वां नंबर प्रॉब्लम है, 4 ईयर्स अगो अ फादर वॉज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 4 साल पहले यानी कि पास्ट की बात कर रहा है ये, 4 साल पहले जो फादर की एज थी वो 5 गुना बड़ा था अपने बेटे थे। आफ्टर 4 ईयर्स ई विल बी ओनली 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सन, यानी कि 4 साल के बाद, आफ्टर 4 ईयर्स 4 साल के बाद ई विल बी ओनली 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सन, ये 3 गुना बड़ा था अपने बेटे थे 4 साल के बाद। 4 साल से पहले 5 गुना बड़ा था, 4 साल के बाद 3 गुना बड़ा था अपने बेटे थे। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, हमें एजेस जो है इनकी प्रेजेंट हैं वो हमें ढूंढनी है। जो अभी पता लग जाएगा कि बेटे की कितनी उम्र थी, बाप की कितनी प्रेजेंट एज है। तो अभी अपना लेक्चर शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर जो ना फादर की एज दी हुई है ना ही सन की, तो फादर की हम सपोज़ कर लेते हैं जो एज है, फादर की जो एज है वो 1 से, और जो जो सन की एज है वो है 1, सपोज़ कर लेते हैं, ठीक है। फादर की एज 1 से लिए लिए और सन की एज 1 ले लिए। 4 ईयर्स अगो, जब भी पास्ट की बात करें आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पास्ट की जब भी बात हो, यानी कि 4 ईयर्स अगो फादर वाज 5 टाइम्स, यानी कि 4 साल पहले फादर की जो उम्र थी 5 गुना बड़ा था अपने बेटे थे। यहाँ पर जो 5 इस जगह लिखेंगे, यहाँ पर वाई लिखेंगे बेटे की उम्र, उसके बाद 4 साल पहले की बात कर रहा है, यहाँ पर भी -4 कर देंगे। तो ये 5 हमने इसलिए लिखे कि 5 गुना बेटा जो है ना फादर से 5 गुना छोटा ही। सो यहाँ पर इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम ये जो सेकंड नंबर लाइन है प्रॉब्लम की उससे एक दूसरी इक्वेशन बना लेंगे, फिर आसानी होगी समझने में। x-4 वही लिख ले लेंगे, उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो 5y आएगा, उसके बाद ये माइनस की निशानी वही रखेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा। x-4 वही लिखेंगे, उसके बाद 5y-20, यहाँ पर जो ये 4 हैं माइनस के यहाँ चले जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, यहाँ पर ये 5 प्लस के यहाँ चले जाएंगे माइनस हो जाएंगे। सो ये इधर ले जाएंगे -20 वही लिखेंगे, यहाँ पर माइनस के यहाँ प्लस हो जाएंगे 4। तो x-5y इज इक्वल टू, अगर 20 में से 4 गए तो -16 बचे। तो यहाँ पर ये हमें एक इक्वेशन मिल गई, ये इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन मिल गई है, अभी दूसरी नंबर लाइन पढ़ लेते हैं। ये है कि आफ्टर 4 ईयर्स ही विल बी ओनली 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि अभी 4 साल के बाद, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है, 4 साल के बाद इसकी जो वालिद की उम्र है कि अपने बेटे थे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो वालिद की उम्र है 4 साल, आफ्टर की बात कर रहा है फ्यूचर की, तो प्लस कर लेंगे इज इक्वल टू, बेटे के साथ भी 4 साल प्लस कर देंगे, क्योंकि अगर उसको भी 4 साल के बाद बेटे की भी उम्र बढ़ेगी, वालिद की बढ़ेगी, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 3 टाइम्स जो है वालिद है इससे बड़ा है बेटे से, बेटा 3 टाइम्स अपने वालिद से क्या है छोटा है। सो यहाँ पर
ये तीन लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 3y + 3 × 4 12 आ रहा है आंसर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को ये प्लस का है 3y, ये इधर माइनस का हो जाएगा, 12 ये प्लस के हैं तो इधर 4 माइनस के हो जाएंगे, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू, अगर 12 में से 4 गए तो 8 बचेंगे। तो ये हमें इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन मिली हैं। तो इक्वेशन नंबर दोनों यहाँ पर हम लिख लेते हैं। जो पहली नंबर इक्वेशन है वो है x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 16। पहली नंबर इक्वेशन थी वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 16। और दूसरी इक्वेशन जो हमें लास्ट में मिली, x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। दोनों इक्वेशन लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर प्लस है कुछ भी नहीं है, यानी कि प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर कर लेंगे माइनस, यहाँ पर प्लस है माइनस कर लेंगे, यहाँ पर माइनस। अगर ये हम ना करें ना, फिर हमारा दोनों एक्स का भी एक्स भी आ जाएगा, एक ही उसमें इक्वेशन में वाई भी मिलेगा, जवाब नहीं आएगा दुरुस्त। तो इसलिए हमें, क्योंकि हमें एक चाहिए, यहाँ तो एक्स का वैल्यू चाहिए या वाई का, सो यहाँ पर एक्स ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर 5 में से 3 गए तो माइनस 2y बचे, उसके बाद 16 में से 8 गए तो बाकी कितने, 16 और 8 यहाँ पर दोनों माइनस हैं, ऐड कर देंगे 24 हो जाएंगे, 24 किसके, माइनस के। तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचा y इज इक्वल टू 24/2। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा था, इस साइड जाएगा डिवाइड करेगा, इसको जब हम खोड़े लगाएंगे तो 12 इसका जवाब आ रहा है, इस दो पे एक बार जा रहा है, 4 पे दो बार, दो का कोड़ा। तो 12 हमें ये क्या मिला, y का वैल्यू, y हमने किस लिए लिया था, सन के लिए y लिया था, तो सन की एज तो हमें मिल गई, जो सन की एज है वो है 12 साल। अभी आते हैं इसके फादर के एज ढूंढते हैं। ये जो 12 वैल्यू मिला है ये इन दोनों इक्वेशनों में किसी एक में पुट कर देते हैं, फर्द करो हम पहली में ही पुट कर देते हैं, जो फर्स्ट नंबर इक्वेशन है वो माइनस सिक्सटीन, इसमें y का वैल्यू पुट कर देते हैं, y का वैल्यू हमें 12 मिला है, माइनस 16 वही लिख देंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 60 जवाब आएगा, इज इक्वल टू माइनस 16। यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस 60, जब ये वाले 60 इस साइड चले जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ पर जब 60 में से 60 गए तो फिर हमारे पास 44 आंसर, यानी कि वालिद की जो उम्र है वो जो है ना, फादर की उम्र वो हमारे पास 44 आ गई, और जैसे सन की एज है 12 है।